गुड मॉर्निंग गाइस, हो गई आज फिर से एक नई सुबह और अब हम तैयार हो रहे हैं अपनी जो कल चीज़ें नहीं देख पाए थे वो एक्सप्लोर करने के लिए। आज मैंने लीशा को भेजा है नीचे कि वो कपड़े प्रेस करके आए, क्योंकि कल मुझे ना अजीब सा डर लग रहा है, वो लाइट भी ऑन ऑफ हो रही थी, मुझे डर सा लग रहा था, इसलिए अभी वो गए हैं कपड़े प्रेस करने और मैं तब तक मेकअप वगैरह करके बाकी रेडी रहती हूँ, बाल छाल बनाती हूँ ताकि वो आए तो फिर वो अपना तैयार हो और फिर हम जल्दी से निकल। गाइस यहाँ पे तैयार होने आ गई, मैं जल्दी से थोड़े थोड़े बाल ड्राई किए हैं फिर मेकअप करती हूँ जल्दी से, इससे पहले कहती शादी और यहाँ पे अभी तक तैयार नहीं हुई। गाइस ये मेरा मेकअप हो गया है, यहाँ पर मेरा लग गया, अब इसको मैं बाद में साफ करूँगी। मेकअप हो गया, अब जल्दी से पहनते हैं कपड़े और फिर बाल बनाते हैं। ये रहा मेरा आज का आउटफिट जो कि अलीशा प्रेस करके ले आए हैं, अब ये जल्दी जल्दी पहन के फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस ये बंदा ऐसे तैयार होके रेडी हो गया और मैं भी रेडी हो गई हूँ, बस अब हम निकल रहे हैं। मैं अपने सनग्लासेस घर भूल गई, दोनों के दोनों, और अब मैं ये बाल अभी नए नए धोए हैं तो ये उड़ रहे हैं। गाइस इग्नोर देम, एक मिनट थोड़े से पूरा कैसे दिखाऊं आपको। अच्छा बाहर निकल के लीशा को कहूंगी कि दिखाएं। अच्छा ऐसे भी आ रहा है। गाइस ये है मेरी फुल लुक, बाल थोड़े से फ्रिजी हैं बट ये मैं ऐसे अच्छी प्यारी लग रही है। कोई भी नहीं, थैंक यू सर, गेट आउट नाउ। गाइस मैं इस तरह कुछ लग रही हूँ, वो चला गया। कल हम बड़े गंदे रास्ते से गए थे, आज हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। ये हमारे होटल के ऐसे व्यू आता, सुंदर लग रहा है। नहीं जी, आज की सुबह हमें ग्रैंड बाजार की इस तरफ से एंट्री मिली है। हाँ इन्होंने काट के क्या रखे हैं। हाँ आज खुला, ये है जी इसकी एंट्री। एंट्री पे मजे की बात, पहली जगह हमें चेक भी किया है ना। From England, we were originally from Pakistan. I'm from Syria. Thank you. Ah, very nice. Thank you. Sana? यहाँ पे खड़े होके हमने बहुत सी चीज़ें खा ली हैं और यकीन जाने इतने मज़े की कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी हम लेकर जाएंगे यहाँ से घर, क्योंकि सुवेनियर्स वगैरह तो उनके पास है ही हैं टर्की के, है ना, तो हम लेके जाएंगे यहाँ से स्वीट्स, बहुत मज़े के। और ये ना सोचे कि मैं इतना तैयार ही घूमने के लिए आई हूँ, तैयार हुई हूँ मैं रात के लिए। हम दोनों बढ़िया, अभी वो हमारे लिए बना रहे हैं टर्किश टी, वो हम पिएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर ये सारी टी की वैरायटी है, पोमोग्रेनेट टी। ज्वेलरी की बहुत सी वो है, ये स्टोन जो चेंज करता है कलर उसका, ये काफ़ी है और देखते हैं अभी। ये लिशा ने सिल्वर का लिया है और बाकी मैं आपको घर जाके बाकियों के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे रश हो गया। कैसा लगा आपको? दोस्तों सुबह से इसकी एक भी नहीं हुई थी, हम आए उसके बाद कस्टमर्स पे कस्टमर्स, पर अब हमने जो लिया है उसको वो सेट कर रहा है और हमें इतना वेट करना पड़ा, इतना ट्रस्ट के वो दुकान हमारे हवाले छोड़ के चला गया। ये अब सेल्समैन बने हुए हैं, सेल करने वाले दिस शॉपकीपर। ओह माय गॉड, गाइस अगर कभी कोई आपको दरवाजा बंद मिले एक दिन, दोबारा से ट्राई करें, अगले दिन आपको खुला मिलेगा। पर यह कि हम ही गलत टाइम आए थे क्योंकि हमें टाइमिंग्स का पता नहीं था। क्या क्या नहीं बताना। हाँ 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 मैं मोटिवेट ही कर रही हूँ। एक दिन आपको बंद मिले, दूसरे दिन आप फिर ट्राई करें, फिर आपको खुला मिलेगा। हाँ तब से हमें ज्वेलरी की दुकानें नजर आ रही थी, अब इनका वो लोकल है। पर गाइज इनके बाजार में हर ब्रांड का फेक चीज़ जो है ना वो पड़ी हुई है, तो कोई इनका अपना तो दिख नहीं रहा था मुझे, अब आके दिखने लग पड़े हैं। तो अभी हम वो देखते हैं
क्योंकि फेक लेने का फायदा नहीं है, लेना है तो फिर असली लो, है ना? ये है मेरे हस्बैंड का कहना और अब मेरा भी, है ना? पहले क्योंकि मुझे इतना पता भी नहीं था ब्रांड्स का। अभी हम पीने लगे हैं पोमोग्रेनेट जूस क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये पीते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। यहाँ पर है इससे पूछ के तो हम फिर बना रहे हैं। अब ये है पोमोग्रेनेट एंड पाइन एप्पल, पी के देखें कैसे। टेस्ट दोनों का मिला के ऑरेंज जूस की तरह लग रहा है। हाँ, ऑरेंज जूस की तरह ऑरेंज ले रहे थे। इतनी महंगाई, हमें 600 लीरा के दो जूस मिले। वाओ जी, इतनी लंबी क्यू में खड़े हुए हम बेसिलिका सिस्टर्न जाने के लिए। वो गाइड हमें कहता है कि मैं आपको डायरेक्ट लेके जाता हूँ, पर मैं लूँगा 70 यूरो। हमने कहा हम नहीं देते, हम जा रहे हैं क्यू में ही खड़े होने। 45 मिनट्स तो नहीं, थोड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, सीधा ही जाते हैं हम। फिर आपको दिखाती हूँ अंदर क्या होता है। अंदर ये रहा पानी जो जमा करते थे, अभी तक जमा ही है, पर साफ क्यों लग रहे हैं। ये वो जगह है गाइज, इसके अंदर हम आए हैं तो हमें कितने 1600 लीरा जो है हमें टिकट पड़ी है और हम ये फिर अंदर आ सकते हैं। अब देखते हैं इसमें खास क्या बात है। पानी है ना, पानी खास बात है। इतने लोग आप हंसते हैं मेरी बातों पे, यार मैं बता रही हूँ उनको, इसी में देख लें, आने की ज़रूरत नहीं आप। ये चेक करें इतने पैसे पड़े हुए हैं, पर इतना पानी साफ कैसे, मुझे ये समझ नहीं आता, करते होंगे साफ। किसका शेडो है गाइस, यहाँ पे तो कोई खड़ा नहीं। वो है पीछे। हाँ, ये मुझे डरा रहे हैं। लाइट ऑन करके कितना अच्छा बनाते हैं गाइस। इसमें ऐसे कोई चीज़ देखने वाली है नहीं है, एक दफ़ा भी हमने तो देख लिया, आप वीडियो में देख लें। इसके ऊपर भून रहे हैं भाई। ये हमें मिली है 60 लीरा की, खुशबू अच्छी है। डेढ़ पाउंड की। बैठ के खाएं। ये कल वाली जगह पे फिर से आ गए। कैसी है? देखिए पाकिस्तान जैसी है कि नहीं? नहीं, जो भून के देते हैं। पहले साया देख, अरे वाह, तो इस जैसे समंदर भी नजर आ रहा। ये देखें ग्रे और काला कवा, मैंने तो काला ही सुना था कवा, ये कवा है भी कि नहीं पता नहीं। ये हमने पैलेस की टिकट्स ले ली हैं, अब पैलेस अंदर आ गए हैं। इसका मुझे नाम नहीं आ रहा था, इसका नाम है टॉपकपी पैलेस, तो हम उसमें अभी एंटर हो गए हैं। गाइड हमें मिल गया, ये लाउड स्पीकर पे है, उन्होंने हमारी आईडी ली है वहाँ पे, आईडी रख के, तो हम ये लेकर आए हैं वापसी पे, उनको वापस करेंगे तो हमें हमारी आईडीज मिल जाएंगी।
सब ये चीज़ें यूज होती होंगी ना। इतना बड़ा डायमंड गाइस, सबसे खूबसूरत नजारा यार। ये गाइस आज की मेरी लुक गाइस, जो मैं लाइव देख रही हूँ ना, आपको कैमरे में नहीं देख रहा, बट ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस जगह में अंदर जाने के लिए हमें जूते पहनने पड़ेंगे, वो देखें, जूते से मुराद कवर पहनना पड़ेगा। स्ट्रगल इज रियल गाइस, हो गया। मैंने तो पहन लिया। ये कारपेटेड है इसलिए गाइस शायद जी। Very beautiful. आज मैं अपनी भूल गई थी, फिर मुझे रेस्क्यू किया मेरे हस्बैंड ने और मैंने उनसे ये ले ली, क्योंकि मेरी आंखें बिल्कुल ही अब बंद हो गई खुलना। गाइस इतनी बड़ी तलवार है तो बंदा उठा पाए भी ना। यहाँ से हम फ्री हो गए हैं, हमें पूरे 2 घंटे लगे हैं इसको एक्सप्लोर करने में। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ, फिर थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है, यस थोड़ी सी रेस्ट करके फिर हम जाएंगे खाना खाने अपना, फिर आपको दिखाएंगे। चलें फिर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस ये स्ट्रीट है, लाइफ बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये हमने थोड़े से स्नैक्स लिए हैं बिफोर डिनर, खाएंगे। फाइनली गाइस घर आ गए हैं, घर मतलब अब यही घर है अभी कुछ दिनों के लिए, अब बस थोड़ी सी रेस्ट एंड फिर डिनर। लेकर आए अपनी तरफ से जो पाकिस्तानी मसाला लेज होते हैं वो समझ के, बट ये डिफरेंट मसाला है, इतना स्पाइसी नहीं है। फिर से निकल गए, अब हम अपने डिनर के लिए जा रहे हैं, फिर आपको डिनर पे मिलते हैं। जितनी देर में लिफ्ट आ रही थी उतनी देर में तो हम वॉक करके नीचे चले जाएंगे। मेरे जी इसके पास आ गए। गाइस एम्बियंस तो बहुत अच्छा है, अभी आगे जाके पता चलेगा। ड्रिंक्स तो आ गई हैं हमारी, आप इसको गाइस, ये हमारा ऑर्डर आ गया है और दूसरी वीडियो में शॉर्ट्स में डालूंगी। गाइस मैं सच बोल रही हूँ, इसमें पूरा था पर मैं वीडियो बनाना भूल गई। खाना पीना हो गया, अब इतना थक गए हैं कि बस अब घर जाके सोना है और फिर उसके बाद कल फिर से जो भी करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। नहीं जी गाइज हम वापस घर आ गए, अब हम लगे हैं रेस्ट करने। आज की मैं वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सना अलीशा सुहेल। आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।